गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने 66वीं मेंस के जीएस पेपर 2 के कॉपी का एनालिसिस करूंगा। इसके पहले मैंने जीएस 1 का पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, उसका वीडियो आपको अवेलेबल होगा, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि इसमें मेरे टोटल मार्क्स थे वो 108 आए हुए थे, और कुछ कुछ सेक्शन में मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले। और वैसे भी अभी जीएस 2 का जो मार्किंग पैटर्न है वो काफ़ी हार्ड है। अभी के दौर में अगर आप जीएस 1 का 120 प्लस है तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, तो उस लिहाज से मेरा स्कोर कम है। बाकी देखते हैं कि इसमें मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर को मैं स्क्रॉल कर दूंगा। मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो था कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के बुजुर्ग के समान है। क्वेश्चन लंबा था, मैं ये कहना ये चाह रहा था कि भारत के राष्ट्रपति के पास पावर बहुत सारा है लेकिन उनको एक लिमिटेड पावर है। वो अपने अधिकारों का यूज उस तरह से नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल करने के लिए नहीं कर पा रहे हैं, रबर स्टाम्प की बात ही है। यही कहना चाह रहा था क्वेश्चन में। जैसा 64वीं में पूछा था क्वेश्चन कि क्या बिहार का राज्यपाल एक रबर स्टाम्प की बात ही है, ये इस बार राष्ट्रपति के संदर्भ पूछ दिया, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है? तो इसमें आपको बस वही बता रहा था कि राष्ट्रपति क्या क्या पावर है और किस प्रकार उनकी पावर को लिमिटेड किया गया, कौन कौन से प्रावधान है जो उनकी शक्तियों को सीमित करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे ही जवाब दे रहे थे जहाँ बता रहा था कि नहीं, उनके पावर को लिमिटेड जरूर किया गया पर उनके पास कई ऐसे विवेक अधिकार हैं जहाँ पर वो यूज करके अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र है जिसका तात्पर्य है लोकतंत्र के साथ साथ यहाँ का संवैधानिक प्रमुख चुनाव का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है एवं अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति व राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये मैंने बताया था, इसके बाद मैंने उनके सारे अधिकार को बताया था, कौन कौन शक्तियाँ उनको प्राप्त थी, तो सबको अलग अलग बांट दिया था, कार्यकारी शक्ति, उसके बाद विधायक शक्ति को मैंने अलग बांट दिया था, ये सबको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ था। फिर न्यायिक शक्ति को मैंने अलग से बताया था, वीटो शक्ति बताया था इससे मैंने, और वीटो को जो टाइप है इंडिया वो बताया था। फिर बताया था कि ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं ये भले ही देखने में काफ़ी अच्छे लगते हो लेकिन उनके पास जो वास्तविक शक्ति है वो सीमित है। उसको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति की सलाह प्रधानमंत्री और प्रतिमंडल बाध्यकारी नहीं है, विभिन्न मंत्रियों की लिखते हुए प्रधानमंत्री की सलाह अनिवार्य। इस तरह से मैंने पॉइंट फॉर्म में जो जो उनके ऐसे प्रधान जो उनके शक्तियों को सीमित करते हैं वो बताया था। और इसके बाद बताया था कि इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका सलाहकारी ही है, इसके लिए उनका कारण है। मैंने बताया था कि ऐसा क्यों किया गया है, क्यों राष्ट्रपति को सारी शक्तियाँ नहीं दी गई है। देश में संसदीय सरकार है जिसमें संसद की महत्व अधिक, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है जबकि प्रधानमंत्री और संसद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा होता है। तो लोकतंत्र में पावर उन्हीं के पास रहेगा जिनको जनता चुनकर भेजती है, तो ये भी एक कारण है। ये मैंने बताया था सारा पॉइंट यहाँ पे। इसके बाद मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल पावर लिमिटेड है, बहुत सारा ऐसा केस है जहाँ पर राष्ट्रपति ने अपने शक्ति को दिखाया, जैसे कि राजीव गांधी बनाम ज्ञानी जेल से प्रणब मुखर्जी का यहाँ पर ज्ञापन दिया था। फिर मैंने बताया था कि क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसको हम कर दें तो बेहतर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यही बताया था कि कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष कल का होता है, 5 वर्ष पहले को हटा ले सकते हैं आप, महाभियोग की जटिल प्रक्रिया होती है, हटाना मुश्किल है, जब भी कल कल के पावर को दिखाता है, तो ये मैंने बताया था। इसके बाद मैंने एक डिस्कस दे दिया था यहाँ पर, तो इसमें मुझे 14 नंबर मिला हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा सा सेकंड सेगमेंट पर थोड़ा छूट गया होगा क्योंकि हमें जब बताना चाहिए था कि राष्ट्रपति को पावर जरूर सीमित है लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या सुधार किए जाना चाहिए आगे की राह, वो मैंने बताया लेता। हो सकता है इसलिए थोड़ा नंबर कम है, बाकी मैंने लगभग पॉइंट ऐड कर लिया था कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ क्या है, इसके बाद उनको सीमित शक्ति क्यों दी गई है और क्या कारण है कि वे अपने वीटो का प्रयोग विशेष परिस्थिति में करते हैं। मैंने सारा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिया था। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो क्वेश्चन वाला अटैम्प्ट किया था वो था कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है, व्याख्या करें।
मतलब कहना चाह रहा था कि भारत का जो सगे ढांचा है वो किस तरीके का ज़्यादा झुका हुआ है, राज्यों को शक्तियाँ यहाँ कब प्राप्त है, इसके बारे में यहाँ पर एनालाइज कर रहा था। तो मेरे यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है जिसके तहत केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के का संचालन होता है एवं दोनों के मध्य शक्तियों का उचित बंटवारा संविधान के माध्यम से किया गया है। बताया था कि सातवें अनुसूची, सर ने बताया था यहाँ पे। फिर उन्होंने बताया था कि ये तो देखने में तो अच्छा लगता है कि दोनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो पावर है वो सेंटर की ओर झुका हुआ है। तो कौन कौन सा प्रावधान है जो दिखाता है कि सेंटर की ओर झुका हुआ है शक्ति, वो मैंने बताया था एक डायग्राम के माध्यम से। तो बताया था कि आपातकालीन प्रभाव प्रावधान, अखिल भारतीय सेवा, राज्यपाल की नियुक्ति, प्रवर्तन एजेंसी, वित्तीय निर्भरता और शिक्षा शक्ति केंद्र में, ये सारा मैंने बताया था और इसी को मैंने यहाँ पर एलिब्रेट किया हुआ है सारा पॉइंट को, ठीक है, इसी को यहाँ पर मैंने एलिब्रेट किया हुआ है। एलिब्रेट करने के बाद मैंने यहाँ बताया था कि क्या कारण है कि हम लोग शक्ति केंद्र की ओर दिए हुए हैं। कुछ तो मजबूरी रहा होगा, जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था तो ये पावर तो उसी समय दिया गया था, तो उसके पीछे कुछ मजबूरियाँ थी जैसा कि बताया था मैंने यहाँ पर। तुरंत मिली स्वतंत्रता एवं केंद्र को मजबूत होना अनिवार्य, विखंडनकारी ताकत का सामना करने हेतु। जैसे उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी, जैसे क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, भाषावाद बहुत ज़्यादा उस समय हावी था। ऐसे में सेंटर का पावर देना बहुत जरूरी था, इसलिए सब किया गया था। और देश के विकास हेतु केंद्रीय शक्ति का वजह थोड़ा अनिवार्य, इसलिए सारा पॉइंट किया गया था यह प्रणाली, मैंने यहाँ बताया हुआ है। फिर मैंने बताया है कि इंडिया का जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका से अलग है। अमेरिका में सारे राज्य मिलकर अपने शक्तियों को केंद्र में सौंपे हुए हैं, लेकिन इंडिया कैसे अलग है, इंडिया में जो केंद्र है वो राज्य को शक्ति सौंपता है, न कि राज्य केंद्र को शक्ति सौंपते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर केंद्र हमेशा से मजबूत रहा है और आगे भी वो ऐसा ही रहेगा। कई ऐसे प्रधान संविधान में है जहाँ पर सेंटर चाहे तो अपनी शक्तियों का यूज कर सकती है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। फिर मैंने एक डिस्कस दे दिया था यहाँ पर, हालांकि मुझे उससे कुछ ज़्यादा ही कम मिल गया, 11 ही मिला इसमें, इतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। इसमें मुझे एक्सपेक्ट था कि कम से कम 17-18 मिलने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है कुछ कमियाँ रही होगी इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो तीसरा नंबर था वो था कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है, बिहार के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यह कह रहा है कि हमारे देश में जो 28 राज्य हैं सबका विकास समान रूप से नहीं हुआ है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो पिछड़ गए हैं। तो ये जो पिछड़पन है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म देता है। तो इसको बिहार के संदर्भ बता रहा था, तो मैंने यहाँ इसको लिखा है, शुरू किया है। आज़ादी के बाद से हमने कई क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक विकास के मापदंडों को पूरा किया है, किंतु आज हम 5 अर्थव्यवस्था की ओर देख रहे हैं, किंतु अगर हम एक देश के आर्थिक विकास की सर्वेक्षण की बात करें तो कई मायनों में पिछड़े हुए हैं। भले हम लोग का देश आज सबला देख रहे हैं 5 का 25 तक, लेकिन देश के अंदर ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पिछड़ापन मौजूद है। यहाँ पर दिखाया हुआ है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ये पिछड़े राज्य हैं, ये हो गए मध्यम श्रेणी वाले, ये विकसित राज्य हैं, और साउथ वाले तो लगभग विकसित ही है। तो इस तरह से पूरा भारत वाला रूपरेखा बनाया था, जहाँ मैंने बताया था कि राज्यवार कैसे यहाँ पर पिछड़ेपन का एक असमानता डेवलपमेंट में कैसे असमानता यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर बताया था उसे जो कन्वर्ट किया था, एक और जहाँ पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों का विकास तेज गति से हुआ, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर का विकास धीमी गति से हुआ। फिर सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट में ज़्यादातर उच्च श्रेणी या फ्रंट रनर की शैली में पश्चिमी या दक्षिणी राज्य है, जैसे केरल टॉप में रहता है, बिहार हमेशा पीछे रहता है। फिर मैंने इसका बताया था कारण क्या है, तो कारण मैंने बताया था भौगोलिक विविधता, संसाधनों का सवाल वितरण, प्राकृतिक आपदा, बिहार में तो बाढ़ सुखा हमेशा आते रहता है, राजनीतिक अस्थिरता जैसे झारखंड अलग हुआ बिहार से, भ्रष्टाचार, ये सारे मैंने पॉइंट बताए थे। फिर मैंने बिहार का विशेष संदर्भ यहाँ लिया हुआ है, क्योंकि पूछा भी है कि बिहार के विशेष संदर्भ, तो मैंने यहाँ बताया है कि हाल ही में भारत के सतत विकास सूचकांक के तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर केरल राज्य के बिहार का 35वां स्थान रहा। फिर यूएन का जो रिपोर्ट अभी हाल ही में उसमें आया नहीं था, उसमें बिहार का 55% लोग यहाँ से गरीबी 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो ये भी यहाँ पर बेसर हो जाता अगर आता उसमें, तो अभी आया हुआ है
फिर मैंने दोनों तुलना किया है, भारत बिहार और केरल से तुलना किया है, तीनों ढंग से मैंने तुलना किया है यहाँ पर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ बताया है कि 18% महिला एनीमिया से ग्रसित है, वहीं 38% बच्चे कुपोषण का शिकार है, इस तरह मैंने बताया है। फिर मैंने बताया कि जो समस्या है ये किस तरह से अन्य समस्याओं को जन्म देता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस तरह से अन्य राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है, तो मैंने यहाँ पॉइंट फॉर्म लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य खराब स्थिति, प्रति व्यक्ति बेड एवं डॉक्टर का उपलब्धता सबसे कम है बिहार में, इसके बाद दूसरे राज्य में पलायन सबसे अधिक होता है, आपने देखा हुआ कोविड-19 के दरमियान जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने पॉइंट फॉर्म लिखा हुआ है सारा मैंने। फिर मैंने बताया कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया, तो यहाँ मैंने बताया स्पेशली बिहार सरकार की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, 7 लेशिया महिलाओं हेतु, ये सारा मैंने पॉइंट दिया है उसके, ये बिहार सरकार का। फिर बताया मैंने केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, तो ये मैंने सारा बताया यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में। फिर एक निष्कर्ष दे दिया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित ही बिहार के कई मान, बिहार कई मानकों पर अवसर से पीछे है, किंतु पिछले दशक में इसकी विकास दर काफ़ी तेज रही है तथा आने वाले समय में भी इसकी विकास दर लगभग 20% की संभावना है, अवसर 20% आवश्यकता है इस बात की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, तो यहाँ पर मैंने उसका बेहतर एक पॉजिटिव कंक्लूजन दिया है और इसमें मुझे मिले हैं 14 नंबर। तो ये पूरा सेक्शन 1 का हो गया, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2 में मैंने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वो बता दे रहा हूँ मैं। मैंने अटेम्प्ट किया था कि 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का विकास दर सबसे अधिक रहा, ये बोला गया था कि बिहार का विकास दर सबसे अधिक रहा 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा क्षेत्र है जो बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मैंने यहाँ पर उसी को लिखा कि बिहार उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जिसके विकास दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लगातार एक दशक से रही है, आने वाले समय में बिहार राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रहने वाली है। फिर हम इसको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए यहाँ पर कि बिहार के बारे में जनसंख्या क्या है, GDP क्या है और इसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, सारा यहाँ बांट दिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया कौन कौन क्षेत्र जहाँ पर जो योगदान दिया है डेवलपमेंट में, तो मेनली इसमें तृतीय का सेवा क्षेत्र है, उसके बारे में यहाँ बताया कि इसका ग्रोथ रेट कितना रहा, ये सारा बजट सर्वे का था, बजट सर्वे इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए भी क्लियर होता है कि जो लोग भी देने वाले हैं 67वीं का, वैसे 67वीं का वो बजट सर्वे को अच्छे से पढ़े जाए, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आने लगा है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आता है बिहार स्पेसिफिक। फिर मैं तृतीय क्षेत्र को यहाँ पर डिटेल बताया है, फिर प्राथमिक क्षेत्र को बताया यहाँ पर और अन्य संभावनाओं को भी बताया है मैंने यहाँ पर, और क्या क्या संभावना है जैसे कि कृषि आधारित उद्योग, प्लाईवुड वाले की खाद प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, शिक्षा कहाँ इत्यादि। और फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया, इससे मुझे 14 नंबर मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था बता दे रहा हूँ आपको, वो था कि बिहार में व्याप्त आर्थिक बिहार में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमताओं का मुख्य कारण क्या है, सरकार द्वारा किए गए उपायों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मतलब जो अभी विषमता है बिहार में आर्थिक और सामाजिक, इसका मेन कारण क्या है और सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है, उसका आलोचनात्मक व्याख्या करना था। तो मैं यहाँ बताया कि बिहार की वर्तमान प्रमुख समस्या इसमें व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता है, एक और दक्षिणी बिहार आर्थिक रूप से तेजी से विकास कर रहा है, वहीं उत्तरी बिहार की गति धीमी रही है, उत्तरी बिहार का कारण भी है बाढ़ सुखा हमेशा आते रहता है। तो मैंने बताया था कारण क्या है आर्थिक विषमता का, तो यहाँ दिखाया भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, सबको मैंने अलग अलग बांट दिया है। शहरी ग्रामीण विषमता को मैंने दिखाया यहाँ पर, फिर दिखाया कृषि पर निर्भरता 18% GDP योगदान है, GDP में 18% योगदान है जबकि निर्भरता 70% है। फिर मैंने कारण बताया जातिवाद, ग्रामीण विकास का पिछड़ापन, पितृसत्तात्मक सोच, भूमि सुधार का बेहतर क्रियान्वयन नहीं। फिर यहाँ पर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का यहाँ पर मैंने मैसेज किया हुआ है, जैसे अंतर्जातीयकरण को बढ़ावा देना, शराबबंदी, महिला उत्थान हेतु योजना, 7 लेशिया कार्यक्रम, कृषि विकास के लिए कृषि रोड में 1-2-3, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था, ये सारा मैंने यहाँ बताया हुआ है। फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया, इससे मुझे 15 नंबर मिले हुए हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की
सात निश्चय कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। मैं ये बिहार से आगे सात निश्चय योजना थी उसके बारे में पूछ रहा है। अब देख रहे हैं कि लगभग बिहार से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार अलग पूछ रहा है, तो बिहार को तैयार करना बहुत जरूरी है, स्पेशली पेपर टू के लिए भी। तो मैंने यहाँ बताया था कि मानव विकास के समग्र विकास का, मानव विकास समग्र विकास का एक व्यापक है, उसकी क्षमता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति का संपूर्ण ब्यौरा शामिल होता है। क्योंकि बिहार एक युवा बहुल आबादी वाला राज्य एवं जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है, यह तभी संभव है जब यहाँ का मानव विकास का बेहतर संसाधन बेहतर हो। ये मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था कि बिहार का जो मानव संसाधन है अभी किस स्तर पर है। मैंने आबादी बताया, औसत उम्र बताया, सरकारी आबादी सारा वाला, लीगल पथ लेकर सारा चीज़, जो भी डेमोग्राफिक डेवलपमेंट है मैंने उसके यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर फिर बताया था कि मानव विकास के सूचकांक क्या क्या है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और भारत का रैंकिंग अभी 131 है, काफ़ी ख़राब है, बिहार की तो भारत से भी ख़राब है। तो ये मैंने यहाँ बताया, फिर बताया कि भारत की स्थिति प्रति व्यक्ति आय तो सबसे नीचे है, जितना इंडिया का प्रति व्यक्ति आय है उसका 1% बिहार का है। वो मैंने यहाँ बताया, इसका मैंने बताया कि सात ऐसे कार्यक्रम किस प्रकार इस पर योगदान दे सकता है। तो सात ऐसे कार्यक्रम को मैंने बताया था यहाँ पर क्या क्या है, कुछ कुछ पॉइंट मेरा मुझसे मिसिंग हो गया था, मुझे याद नहीं था, जितना मुझे याद था मैंने बता दिया वहाँ पर। फिर मैंने उसको डिस्कर्स पर कंक्लूड कर दिया है कि उपरोक्त स्तंभों पर गौर करें तो आप पाते हैं कि सात ऐसे कार्यक्रम के तहत मानव विकास का सभी आयामों को कवर किया गया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रति व्यक्ति आय हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबका सर्वेक्षण किया गया। यही कारण है कि बिहार आने वाले समय में जनसंख्या लाभांश का बेहतर उपयोग करने की स्थिति में होगा। कंक्लूजन का पॉजिटिव लिखा होता है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, इस वजह 16 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सेक्शन 2 का सारा क्वेश्चन हो गया, होता है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था कि कोविड-19 के लिए उठाए गए सरकारी कदम का मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने यह बताया था कि भारत में वर्तमान में कोरोना कुल 4 करोड़ से अधिक मामले, उस समय तो 4 करोड़ हो गए थे, 4 लाख मृत्यु हो गई थी। मैंने यह बताया था यूएसए के बाद भारत दूसरे स्थान पर था इस मामले में। फिर मैंने बताया कि भारत द्वारा क्या प्रयास किया गया, 24 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाद्य पदार्थों का सेवन, ये मैंने सारा बताया था। फिर मैंने बताया था कि इससे ज़्यादा जरूरी है कि वैक्सीन का उत्पादन भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए संपूर्ण वैक्सीनेशन के प्रयास किए गए। तो मैंने ये सारा बताया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, फिर स्वदेशी निर्मित जो ICMR है कोवैक्सीन वो बना रहा है, ये मैंने सारा बताया था। और उस समय शायद बताया था 60% जो वैक्सीनेशन था, 60% जो वैक्सीन का उत्पादन इंडिया में हो रहा था, मैंने उसका मैंशन किया है। और भारत ऐसा 75% को निर्यात भी किया था, मैंने वो भी मैंशन किया यहाँ पर। फिर राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के बारे में बताया था, उसके बारे में पूछा भी था ये। तो इसका 2 चरण था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण शुरुआत कब हुआ था ये मैंने बताया था, लक्ष्य समूह क्या था, और द्वितीय चरण कब शुरू हुआ उसके लक्ष्य समूह क्या थे मैंने ये बताया यहाँ पर। फिर तृतीय चरण बताया मैंने कि ये 2021 शुरू हुआ, सभी के लिए लागू हो गया, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर एलिब्रेट किया हुआ है, ठीक है यहाँ पर। फिर मैंने इसको डिस्कस दे दिया यहाँ पर, इसे मुझे थोड़ा कम नंबर मिले, इसे मुझे 9 नंबर मिले। मेनली कम आने का डेटा का ना डालना है, डेटा में डालता है इसमें बहुत ज़्यादा तो नंबर मिल जाते हैं, डेटा मुझे उतना याद नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे ऑन एन एवरेज टाइप से लिखा है, तो नंबर भी एवरेज से कम ही आया है, देख सकते हैं 9 नंबर यहाँ पर आया हुआ है। इसको हम लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका की मूल्यांकन करें। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आउट है ये, बिहार में बाढ़ सूखा से, मतलब एक साल बीच लगा क्वेश्चन आना ही आना है। तो 66 पूछा है, तो 67 में संभावना कम है, हो तो जनकीय लाभांश से पूछ दे, लेकिन बिहार बाढ़ सूखा से नहीं आने वाला है, तो ये पहले बता दे रहा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे क्या लिखा था। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि बाढ़ एवं सूखा बिहार के प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, जिससे बिहार की जान माल की व्यापक क्षति होती है। बिहार में बाढ़, 28 जिले प्रभावित, उत्तरी बिहार में समस्या मिली है ये, 73% क्षेत्र बाढ़ग्रस्त, राष्ट्रीय औसत का 12%, पूरे इंडिया में 12% जो बाढ़ है वो अकेले बिहार में आता है। सूखा में बिहार 12 जिले प्रभावित, दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या ज़्यादा होती है, बरसाती नदियों के प्रभाव के कारण। मैंने बताया था
क्या निश्चित मानसून ग्लोबल वार्मिंग नदियों के मार्ग परिवर्तन नदियों में गाद की समस्या वृक्षों की कटाई जल प्रबंधन का अभाव। फिर मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र है, ये बाढ़ प्रभावित है, और जो दक्षिणी बिहार वाला है ये सूखा प्रभावित है। फिर मैंने इसका प्रभाव बताया था कि प्रभाव क्या होता है, क्योंकि अगर मैं टाइप कर पाया था तो शॉर्ट में लिखना पड़ा था मुझे, इसको काफ़ी शॉर्ट में लिखा था। इसका मैंने लिखा था जानमाल की अपार क्षति, विस्थापन की समस्या, फसलों की बर्बादी, स्थानीय रोगों का प्रकोप, सरकार पर वित्तीय बोझ, गरीबी एवं आर्थिक नीति, आर्थिक क्षति, आधारभूत संरचना की क्षति। फिर मैंने बताया था कि विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे इसको हेल्प कर सकता है। यहाँ मैंने बताया था कि बाढ़ एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी नदियों को जोड़ने की तकनीकी सहायता, गाद निकालने या बेहतर वसीले का प्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, ड्रोन की सहायता से आपदा राहत सामग्री, तकनीक की सहायता से स्थानीय तटबंधों का निर्माण, और AI की सहायता से आपदा प्रबंधन प्रणाली का विकास, नदियों के किनारे कटाई तकनीक की सहायता से उनका जलग्रहण क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो ये मैंने किया था। फिर मैंने सूखा के लिए अलग से बताया था, सूखा के लिए क्या हो सकता है विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई ऐसे फसलों का उत्पादन जो सूखा प्रतिरोधी हो, ड्रोन से सिंचाई की व्यवस्था, शुष्क कृषि, वर्षा पूर्व जल प्रबंधन में इसका यूज हो सकता है। फिर मैंने बताया शुष्क क्षेत्र में मृदा उर्वरता को बढ़ाने में नदियों को जोड़ने में तकनीक का प्रयोग, ताकि सूखा और बाढ़ को दोनों की समस्या का निदान हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पर निष्कर्ष दे दिया था, यहाँ पर इसमें मुझे मिला है 15 नंबर। तो पेपर 2 में थोड़ा मार्किंग का पैटर्न अलग अभी रहा है, मार्किंग कम दिया ही जा रहा है, और स्पेशली जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना पड़ेगा तो नंबर मिलेगा, प्लस आपको राइटिंग भी अच्छा रखना पड़ेगा। मेरे जो लास्ट की राइटिंग है ये काफ़ी ख़राब हो गया है, भले इसमें मैंने सारा पॉइंट डाल दिया पर राइटिंग ख़राब होने के कारण भी नंबर इसमें कम मिला हुआ है। अब बाकी जो सेक्शन है वहाँ पर तो कुछ कुछ सेक्शन थोड़ा नंबर जोर कम आया है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप 2 पॉइंट लिखते हैं, अशुद्धि कम करते हैं, बेहतर राइटिंग से लिखते हैं, तो पेपर 2 में आप 130 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो स्कोर आया है वो मैंने खुद गलतियों का डाला है, कुछ मुझसे मिस्टेक हुए थे इस कारण से नंबर कमाए हुए। बाकी अवेली आप लोग को ये सब सीखना है कि आप लोग को आगे जो 67वीं का बैच दे रहे हैं वो इससे क्या सीख सकते हैं, और क्वेश्चन का जो अभी आप पूछने का तरीका है वो किस तरह से शिफ्ट हुआ है। पहले क्या था कि पेपर 2 में सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते थे GS के, लेकिन अब ऐसा देख रहे हैं कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसी में आपने देखा होगा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक पूछे गए। तो यानी PT के साथ साथ बेस के लिए भी आपको बिहार का बजट सर्वे जितने भी योजना है सबका बेहतर रूप से एनालाइज करके जाना पड़ेगा आपको, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। फिर तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।